मैं आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि आज मेरे व्लॉगिंग इक्विपमेंट हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो इस मामले में है कि आज मेरे व्लॉगिंग इक्विपमेंट में एक नई चीज़ का एडिशन हुआ है, वो है GoPro Hero 9। ये जो GoPro Hero 9 है ये मुझे गिफ्ट किया है यासिन ने, थैंक्स टू हिम। ये जो मेरा न्यू कैमरा है GoPro Hero 9, मेरे साथ इसकी अनबॉक्सिंग करेगा मेरा छोटा भाई। इधर गया, हाँ जी, कोट पहन के तो इस तरह से वलीमे पे जाने लगा है। और इस कैमरे को लेने के लिए जैसा आइडिया मैं तब आया था जब मैं एक वीडियो में मरी गया था खानसपुर में, जब मैं हॉस्टल में रहा था, तो उसमें मैंने कहा था कि मैंने अपनी राइड को एंजॉय किया, तो मेरे कज़न ने कहा था कि हमें तो नहीं पता, हमने तो देखा नहीं तुम किस किस रास्ते से गए हो, कैसे हो, फलाना फलाना फलाना। तो देर आई डिसाइडेड कि मुझे एक एक्शन कैमरा भी चाहिए जिसे मैं अपने हेलमेट पे माउंट करूंगा, और जो जिस वीडियो में मैं अपनी बाइक को यूज़ करूंगा तो वहाँ पे जो भी इस तरह के जो सीन होंगे जो मैं इस कैमरे से कैप्चर करूंगा तो वो भी मैं अपने व्लॉग में डाल सकता हूँ, या और फिर हमें आप कह सकते हैं मोटो व्लॉगिंग। मेरे तो यूट्यूब की वीडियोज भी बड़ी अच्छी बन जाएगी। नहीं, वो तुम्हारे मोबाइल से अच्छी बन जाएगी। तुम रहने दो। अच्छा, एनी वे, ये इसकी एक ये जो ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है ये इसकी मेन सील होती है, आईफोन की तरह दी है, आईफोन के बॉक्स में भी सेम आती है। अंदर से भी आवाज़ आई, वो चीता बोले अंदर से। एनीवे, तो इसको यहाँ से करते हैं, बिस्मिल्लाह। यार वो साउंड भी आता है ना, टम टम, वो सिर्फ वीडियोस में ही आता है। हमारे टाइम पे तो खड़ीची होती है बस, वो बाद में जो साउंड्स है ना वो बाद में ऐड किए जाते हैं। सो ये इसका फेस है। खुड़ुच खुड़ुच की आवाज़ें तो इसमें से आई हैं कि अंदर सबसे पहले हमें मिल गया इसे एक कैमरा, हेलमेट पे लगने वाला माउंट, ओके, ये भी इसके साथ है। इसके बाद एक अदद बैटरी, और फिर से ये कोई अनोखी सी चीज़, ये भी हेलमेट माउंट है, ओके। और कुछ तावीज़ पड़े हुए हैं जो कि आज तक यकीनन ना किसी ने पढ़े हैं ना कोई पढ़ेगा। और अभी हम मेन पार्ट पे आते हैं अपने GoPro Hero 9 पे, जरा इसके ये पतरे छतरे होता। अच्छा, ये जो शीट ऐसे उतारने का मज़ा है ना, एक मतलब इस तरह की चीज़ों पे और उसके बाद फिर कोच वगैरह पे, उफ क्या यार फीलिंग होती है। ये कोई भी जो है ना कार का समझ सकता है कि क्या मज़ा आता है इसको, इसका तो मूड नहीं लग रहा। और नहीं, ये हो गया चीज़ है तो ना ठाकुर इसका मूड ना लगे, नहीं निकल गया। सर जी, इसके साथ ये, और ये निकल गया हमारा कैमरा GoPro Hero 9 ब्लैक। GoPro Hero 9 के साथ एक ये पूरी प्रॉपर किट भी है जिसमें डिफरेंट माउंट्स हैं। इसके भी साथ साथ अनबॉक्सिंग करने का कर गया। ऐसे ये इसके साथ डिफरेंट माउंट्स हैं, ट्राइपॉड, बैक पैक लगाया होता है जब शोल्डर पे, तो उसके साथ ये है कि बैक के साथ इसको यहाँ से अटैच किया और आगे GoPro लगा लिया। और ये जो है ये गाड़ी पे लगता है, गाड़ी के साथ जब हम कैमरा अटैच कर लेते हैं तो ये उसके साथ गाड़ी का है माउंट, ठीक है। ये पानी में जब यूज़ किया जाता है GoPro तो ये उसके साथ इसका हैंडल, ये भी एक सेल्फी स्टिक एक्सटेंडेबल, हाँ ये भी वो डिफरेंट माउंट है। एक तो इस कैमरे के साथ ही आया हुआ है हेलमेट माउंट है, ये भी आगे इसके साथ कैमरा अटैच होगा, और ये स्केट के साथ एक्स्ट्रा भी है, और साथ ये बाइसाइकिल पे लगाने के लिए माउंट है, छोटा सा ट्राइपॉड, इसको सर पे पहना जाता है। ये तो वो जैसा बंदा कान में नहीं काम कर रहा होता, किसी कोयले की कान में, नमक की कान में। ऑलराइट जी, ये तो थी सारी इसकी किट्स वगैरह, और अभी मेन दोबारा अपने इस GoPro की तरफ, इसकी तरफ बैटरी शैटरी लगा के चेक कर लेते हैं किस तरह खोलना था। ये GoPro ले लिया, ओपन करना नहीं है, नहीं, अब बस की बात। हाँ सही, बैटरी इसकी दो बैटरी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी क्योंकि एक बैटरी पे गुजारा तो होता नहीं है। अब बंद नहीं होगा, होगा बेटा, तो इसको ऑन कर लेते हैं। अफसोस की बात, फिर नहीं पता इधर से, नहीं ये साइड पर बैठा था। 9 ब्लैक, और इसमें तो अभी वो भी नहीं होगी, ठीक है।
सो इधर सेटिंग कर लूँ मैं, इसका पहले मैं सारा सेटअप कंप्लीट कर लें। डेट तो मैं कर चुका हूँ। पीएम ये इसका नैरो मोड है 27 एमएम, ये हो गया 19-34 एमएम, ये लीनियर पोजीशन पे है 19-39 एमएम, और ये इसका वाइड एंगल 16-34 एमएम। ये सबसे कम नैरो, ये सबसे वाइड। बाकी इसकी सारी सेटिंग्स जो है वो मैं एक दफ़ा मुझे गूगल पे देखनी पड़ेंगी कि इसके FPS वगैरह कहाँ से सेट होंगे। बैटरी भी एनीवे 17% है, इसको चार्जिंग पे लगाना होगा। सो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और इसके लिए अभी थोड़े से और एसेसरीज मुझे चाहिए होंगे। इसका माइक अडॉप्टर चाहिए होगा, और इसके साथ माइक भी चाहिए होगा, कुछ स्ट्रैप्स भी चाहिए होंगे। कुछ स्ट्रैप तो इस किट्स में मौजूद हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसको हेलमेट के आगे माउंट करना है। इसका एक जो केज होता है वो भी अभी मुझे मंगाना है दराज से। सो एनीवे आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।